नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने 90 मिनट के भाषण में उड़ाया ऐसा गदर के पीएम मोदी। अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी सीट से उठना पड़ा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने कहा कि खुद को हिंदू बताने वाले भाजपा के लोग देश में हिंसा भड़काते हैं। इस पर पीएम मोदी ने खड़े होकर आपत्ति जताई। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष और सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने अपने करीब 90 मिनट के भाषण में हिंदू धर्म, हिंसा, नीट परीक्षा में धांधली, अग्निवीर किसानों की समस्या जैसे तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत और हिंसा बोने का काम किया है। उसने एक राज्य के लोगों से उनका राज्य छीन लिया। अपनी राजनीति के लिए उसने एक राज्य में गृह युद्ध करवा दिया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी ने भाषण के शुरुआती मिनटों में भगवान शिव और गुरु नानक की तस्वीरें दिखाई। इनके जरिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में हिंसा नहीं करता, लेकिन भाजपा के लोग देश में हिंसा फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा और झूठ का सहारा लेते हैं। इस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद सदन के नेता पीएम मोदी खुद खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर मसला है। इसके बाद भी सदन में हंगामा होता रहा। पीएम के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, वह झूठ बोल रहे हैं। और इस मसले पर संसद में काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिर राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब के एक अग्निवीर के शहीद होने की बात की। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भारतीय सेना की नहीं बल्कि पीएम मोदी की योजना थी। इसमें शहीद होने वाले जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिलने की बात कही। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में खड़े हुए और कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद भी राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाते रहे। उन्होंने किसानों के मसले को उठाया और कहा कि सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी बताया था, सरकार ने उनको MSP नहीं दिया। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार तरीके से बचाव किया। अमित शाह फिर खड़े हुए और कहा कि नेता प्रतिपक्ष के सदन में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, सदन के कुछ नियम आपको बताते चले। राहुल के भाषण के दौरान नीट UG में धांधली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आज नीट अमीर लोगों के बच्चों के चयन की परीक्षा बन गई है, अब यह प्रोफेशनल परीक्षा नहीं बल्कि एक कमर्शियल परीक्षा बन गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मसले पर चर्चा कर सरकार का सहयोग करना चाहता था, सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है, ये 25 लाख लोगों के भविष्य का सवाल।